हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मेरा कॉफ़ी मग कलेक्शन आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, और ये सब कॉफ़ी मग में कैसे आप प्लांट लगा सकते हो वो भी मैं दिखाने वाली हूँ, और कौन सा प्लांट आप कॉफ़ी मग में लगा सकते हो और उसे कैसे केयर कर सकते हो, वाटर रिक्वायरमेंट कौन क्या कितना होता है, कैसी सॉयल होनी चाहिए, कितनी सनलाइट मिलनी चाहिए, सभी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये सब जो कॉफ़ी मग है ये विदाउट ड्रेनेज होल वाला पॉट है, इस पर आप कैसे प्लांट लगा सकते हो वो मैंने अपने वीडियो पे दिखाया है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी। ये एक स्नेक प्लांट है, ये एक कॉफ़ी मग कम एक सूप बोल है, इस पर आप लगा सकते हो इस तरीके का। ये सब के पीछे में कोई होल नहीं है, ये एक मनी प्लांट है, देख सकते हो ये ब्लैक एक कॉफ़ी मग में है, इसके जो पीछे में होल नहीं है फिर भी ये कितनी अच्छी तरह ग्रो कर रहा है वही मैं आप लोगों को आज शेयर करने चाहती हूँ कि विदाउट ड्रेनेज वाला पॉट पे भी आप किस तरह कितना इजीली प्लांट लगा सकते हो और खूबसूरत से ग्रो कर सकते हो। मैंने जब ये सब प्लांट लगाया है, करीबन 1-1.5 साल से ये सब प्लांट लगाया है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। ये एक छोटा सा कॉफ़ी मग में है, कितना क्यूट लग रहा है आप देखिए। और ये भी एक एक ही तरीके का एक पॉट है, उस पर मैंने सिंगोनियम लगाया है। आप विदाउट ड्रेनेज वाला पॉट पे पानी में भी प्लांट लगा सकते हो, जैसे ये मनी प्लांट मैंने पानी में लगाया है, ये भी अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। और एक छोटा सा क्यूट सा जो कॉफ़ी मग है ये वाला आप देख सकते हो, इस पे मैंने एलोवेरा लगाई, ये थोड़ा सा टूट गया है, इस पे मैंने एलोवेरा लगाया, ये बहुत ही खूबसूरती से ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हो कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है। उसके बाद एक ऑरेंज कलर का कॉफी मग है, उस पे मैंने मनी प्लांट लगाया है, ये भी कितना खूबसूरती से ग्रो कर रहा है, इस पे भी कुछ डैमेज होल नहीं है, ये थोड़ा टूट गया है इसलिए मैंने इस सब प्लांटर में यानी कि कॉफी मग में प्लांट लगा दिया है। ये भी एक बहुत खूबसूरत कॉफ़ी मग है, उस पर मैंने मनी प्लांट, मुझे मनी प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैं कटिंग से हमेशा ही मनी प्लांट बनाती रहती हूँ, एक मनी प्लांट से बहुत सारा मनी प्लांट बनाई हूँ, यही मैं सब कॉफ़ी मग में लगा के रखी हूँ। ये वाला भी बहुत खूबसूरत है, इसका जो हैंडल है वो टूट गया है ये कॉफ़ी मग का, इसीलिए मैंने इस पर मनी प्लांट लगाया है, इसमें भी कोई होल नहीं है फिर भी कितनी अच्छी तरह ग्रो कर रहा है आप देख सकते हो। और ये वाला में भी मैंने वाटर में मनी प्लांट ग्रो किया है, ये भी ठीक से ग्रो कर रहे हैं। ये एक मार्बल क्वीन पोथोस है, उसको मैंने एक छोटा सा कॉफी मग या टी कप में लगाया है, वो भी बहुत अच्छे तरह ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हो हेल्दी ग्रो कर रहा है। उसके बाद एक लकी बम्बू है जिसको मैंने वाटर में ग्रो किया है, एक ब्लैक कलर का कॉफी मग में, ये बहुत मेरा फेवरेट कॉफी मग है, इस पे मैंने लकी बम्बू ग्रो किया है, देख सकते हो कितना खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक पॉट में प्लांट लगा के दिखाने वाली हूँ, मैंने एक कॉफी मग लिया है उसमें मैंने कुछ स्टोन डाल दिया है, और ये वाला मैंने कटिंग से ग्रो किया था, एक जो टेराकोटा का पॉट है उसमें लगाया था, उससे मैं अभी अपनी जो कॉफ़ी मग है खूबसूरत एक कॉफ़ी मग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो इस तरह सिर्फ स्टोन डाल के और आप एक पॉट से और एक पॉट में लगा सकती हो, इस तरह से आपका रेडी हो गया कॉफ़ी मग में मनी प्लांट। इस तरह बहुत इजीली आप प्लांट लगा सकते हो और थोड़ा बहुत केयर कर सकते हो और खूबसूरती से सजा सकते हो अपना घर, आप किसी भी टेबल में रख सकते हो। ये सब प्लांट का जो जो लीव्स है उसे आपको रेगुलर थोड़ा शावर करना चाहिए, मनी प्लांट को स्पेशली शावर बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरह आप शावर कर सकते हो। और ये सब का जो ये सब इंडोर प्लांट जो है, इस सब का सॉइल जब ड्राई हो जाए तभी आप इसे वाचिंग कीजिएगा, इस तरह आप सब प्लांट पे वाटरिंग कर सकते हो, जो हार्डी प्लांट है उसे छोड़ के, जैसे स्नेक प्लांट या रबर प्लांट छोड़ के बाकी सब पे आप ऐसे वाटरिंग कर सकते हो, प्रॉपर क्लीन कर सकते हो आपका इंडोर प्लांट।
तो रेडी हो गया है आपका कॉफी मग में प्लांट। इस तरह आप बहुत सारा कॉफी मग में प्लांट लगा सकते हो, वो आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है। थोड़ा सा टूटा हुआ या थोड़ा सा ब्रेक हो गया है या थोड़ा कलर खराब हो गया है जो हम घर पे नहीं यूज़ कर सकते, उससे हम लोग कॉफी मग, वो सब कॉफी मग में हम प्लांट लगा के डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबका जो लाइट है, इसको ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है प्लांट सबको, मतलब इंडोर प्लांट ज़्यादातर ब्राइट लाइट पसंद करता है, पर ये सब लो लाइट में भी सर्वाइव कर जाता है। आप अगर थोड़ा लाइट आता है तब भी आप इंडोर प्लांट रख सकते हो अपने घर पे, अगर पूरा ही एकदम ही लाइट नहीं आता है तो आप आर्टिफिशियल लाइट का हेल्प ले सकते हो। मैंने जैसे इस सब प्लांट को मैंने एक टेबल के नीचे एक लाइट लगा के उसके पास मैंने रखा है, तो बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है और देखने भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप इजीली आर्टिफिशियल लाइट का हेल्प ले सकते हो। आप देख सकते हो ये सब कॉफी मग को मग में मैंने मनी प्लांट लगाया। मनी प्लांट एक्चुअल बहुत ही मेरा फेवरेट प्लांट है, इसीलिए आप देख सकते हो कि मेरे घर में ज़्यादातर मनी प्लांट है, क्योंकि ये मैं इजीली कटिंग से ग्रो कर सकती हूँ। और ये सब जो प्लांट है इसका जो सॉयल है उसे वेल नहीं होनी चाहिए। और नीचे में स्टोन मैं क्यों लगाई हूँ वो मैंने अपने वीडियो पे दिखाया है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अब देखो ये सब जो कॉफ़ी मग है वो एक एक करके हम लोग फेंक देते हैं, थोड़ा टूट जाता है तो हम फेंक देते हैं, तो वो मतलब फेंका हुआ चीज़ पे भी आप प्लांट लगा के कितनी खूबसूरत से सजा सकती हो। बहुत बड़ा छत या बैल्कनी नहीं चाहिए, आप छोटी छोटी बोल पे बहुत इजीली कटिंग से ग्रो के वह प्लांट को भी लगा सकते हो। और ये सब प्लांट एकदम ही कॉस्टली नहीं है, आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो बहुत सारा प्लांट, वो मैंने अपनी वीडियो पे दिखाया है कि कैसे आप कटिंग से प्लांट ग्रो कर सकते हो। इस तरह से आप सजा सकते हो, क्योंकि प्लांट लगाना एक फीलिंग्स जो है वो, मतलब प्लांट लगाने का मन करता है पर बहुत कारण हम लोग प्लांट नहीं लगा सकते, पर अगर आप इस तरह प्लांट लगाओगे तो आप इजीली कहीं भी प्लांट रख सकते हो। और अभी ये सब जो लॉकडाउन ये सब चल रहा है, अभी हम लोगों का मन अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप अगर एक प्लांट लगाओगे तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आता है तो आपका मन भी बहुत खुश रहता है। इस तरह मैंने एक विंडो के पास ये सब प्लांट रखती हूँ तो ब्राइट लाइट में मिलता है और अच्छी तरह ग्रो भी करता है। तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे और किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।